बिग बॉस 16 में कंटेस्टेंट ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। बीते एपिसोड में घर के नए कैप्टेंसी टास्क में गौतम विग ने शिव ठाकरे को हराकर खुद जीत हासिल की थी। इस टास्क में शालीन भनोट के अर्चना गौतम के साथ बुरे व्यवहार की वजह से उन्हें 2 हफ्ते का नॉमिनेशन और कैप्टन बनने से बैन कर दिया गया है। वहीं नए कैप्टन ने घर में सभी कंटेस्टेंट को उनकी नई ड्यूटी दी है। खाने की ड्यूटी सुम्बुल तौकीर खान को मिली है। सुम्बुल जब खाना बना रही थी तभी एक तौलिये को लेकर गोरी नागोरी के बीच उनकी बहस हुई। ये छोटी सी बहस इतनी बड़ी हो गई कि इसमें गोरी के सपोर्ट में एमसी स्टैन और सुम्बुल के सपोर्ट में श्रीजिता बीच में आ गई। सुम्बुल तौकीर और गोरी नागोरी में तौलिये की वजह से लड़ाई होती है। झगड़ा तो तौलिये से शुरू हुआ लेकिन स्टैंडर्ड लेस शब्द पर बवाल मच गया। इस लड़ाई के दौरान गोरी नागोरी चेहरे बनाकर सुम्बुल को चिढ़ाती नजर आई। सुम्बुल गुस्से में चिल्लाकर उन्हें ये बहस यही रोकने को कहती हैं। लेकिन गोरी नागोरी और सुम्बुल के बीच झगड़ा यही नहीं रुकता। गोरी सुम्बुल को गुस्से में कहती हैं कि तू तोप ना बन और अजीब अजीब एक्सप्रेशंस देकर सुम्बुल को चिढ़ाती हैं। इस एपिसोड में पहली बार गोरी नागोरी का ये एंग्री वुमेन अवतार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस लड़ाई में घर के बाकी सदस्य भी फुटेज खाने बीच में आएंगे। बता दें कि इस लड़ाई में श्रीजिता गोरी पर कमेंट करती हैं, आप जहां पर बड़े होते हैं उसका बहुत असर होता है, आप में स्टैंडर्ड ही नहीं है, स्टैंडर्ड लेस। अपनी दोस्त गोरी के लिए कही ये बातें एमसी स्टैन को इतनी बुरी लगी कि वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े। एमसी स्टैन निम्रत और गौतम के पास जाकर श्रीजिता की शिकायत करते हैं कि वो लगातार गोरी पर बुरे तंज कस रही हैं। बढ़ते विवाद को देख स्टैन को इतना गुस्सा आया कि वो घर में चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम लोग इस तरह की बकवास बातें बंद करो, गवार क्यों बोला। आगे बिग बॉस गौतम को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और उनसे इस घटना के बारे में बात करते हैं। वो श्रीजिता डे, एमसी स्टैन, सुम्बुल तौकीर और गोरी नागोरी के बीच लड़ाई के बारे में बताते हैं और गौतम से ये तय करने के लिए कहते हैं कि इन कंटेस्टेंट के बुरे व्यवहार के लिए इन सभी को क्या सजा दी जानी चाहिए। अब आज के एपिसोड में खुलासा होगा कि कैप्टन गौतम किस सदस्य को क्या सजा देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।